टंगनाथ टेम्पल घूम लिया, पीछे खाई देख ली, और इधर चलता है चंद्रशिला मंदिर, इधर ही से है। बताते हैं हाँ? आपने इतनी मेहनत की, इतना खर्चा किया, तो मेरा समाप्त भी नहीं करेंगे। चंद्रशिला इसका नाम इसलिए पड़ा है हाँ? क्योंकि चंद्रदेव शादीशुदा थे। अच्छा, तो राजा दक्ष की जो बावन कन्याएं थी, पारवार तो उधर राजगीर की तरफ है, एक राजगीर एक जगह बार में तो होगा। अच्छा, बाढ़ ये सब कुछ नहीं है उधर, मतलब आपको उधर जो व्हाइट वाली लेयर दिख रही है ना, जो हमने बर्फ वाली अभी मतलब फोटोग्राफी किया था, अभी हम लोग उधर ही किए थे, ठीक है। और उधर टंगना टेम्पल और इधर खाई, मतलब बगल में स्वर्ग पीछे मौत। और इधर से हम लोग चलते हैं अब चंद्रशिला टेम्पल। मैं वीडियोज बनाते बनाते मेरी कैमरा मतलब मेरी फ़ोन ऑफ हो चुकी थी, इसकी वजह से मतलब कुछ कुछ पार्ट्स मैंने रिकॉर्ड नहीं कर पाया। पीछे देख सकते हो, पूरी पूरी खाई है यार, सॉलिड है कतई यार। यहाँ से ऑलमोस्ट आधे घंटे की अभी ट्रैकिंग हो रहा है, और चल रहे सीधे हम लोग टंगना टेम्पल घूम लिया, पीछे खाई देख ली, और इधर चलता है चंद्रशिला मंदिर, इधर ही से है। मतलब जस्ट मंदिर के पीछे साइड से, मतलब जैसे मंदिर के नीचे जो मेन गेट है ना, उसकी जस्ट बगल से रास्ता जाती है। स्वर्ग से आवाज़ आ रही है, हाँ स्वर्ग से तो आवाज़ आ रही है, देख सकते हो। हाँ, अंकित ने मुझे बोला था वहाँ पर स्वर्ग से आवाज़ आ रही है। आपको उधर जो व्हाइट वाली लेयर दिख रही है ना, जो हमने बर्फ वाली अभी मतलब फोटोग्राफी किया था, अभी हम लोग उधर ही किए थे, ठीक है। और इतनी सॉलिड। और यहाँ पर कुछ खान पान चल रही है, चलते यार, कोई हमें भी ज्वाइन कर लो यार अपने ग्रुप में, खाली अकेले अकेले गलत बात बंदे। यहाँ पर तो पारवार तो उधर राजगीर की तरफ है, उधर एक राजगीर एक जगह बार में तो होगा। अच्छा, बाढ़ ये सब कुछ नहीं है उधर, मतलब रॉकी है ना, लॉकी इवन कद्दू थॉर, इसका भाई भी है, फीमेल पढ़ते ना। चलते 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 आज हम लोग थक चुके हैं, और इधर थोड़ी सी चिल मार रहे हैं, और साथ में एक हमारा एक छोटा सा फ्रेंड है, हम देख सकते हो पीछे खाना खा रहा है। थोड़ी थोड़ी आप पाकिस्तानी लैंग्वेज बोल रहे हो, मतलब आप बोलते बोलते मतलब वर्ड को खींच रहे हो इसकी वजह से। मड हाउस, हाँ पाकिस्तानी जैसे लग रहे हैं। नहीं मतलब लैंग्वेज आप कभी मतलब बोलते बोलते आप रुक जा रहे हो, पठान जैसे। फाइनली हम लोग चंद्रशिला मंदिर पहुँच चुके हैं, और ये सबसे टॉप व्यू है, मतलब यहाँ से सभी छोटे छोटे लग रहे हैं, आप देख सकते हो काफ़ी सुंदर है यार। मैं तो कुछ हिस्ट्री वगैरह जानता नहीं हूँ, इसलिए मैं आप लोगों को कुछ गलत इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकता, बट इतने ऊपर मंदिर बनने का कुछ तो वजह होगी ना। यहाँ से 35 इधर नीचे मतलब खाई है, वो पीछे से रास्ता होंगी। बहुत बुरा थक चुका है, देखो नीचे बर्फ़ थोड़ी थोड़ी है, मतलब हल्की फुल्की आपको कहीं ना कहीं बर्फ़ मिलेगी, ठीक है। हाँ बस जो यही है, बाकी आप व्यू देख लो। इतनी नीचे से मतलब यहाँ से तो दिख भी नहीं रही है, अगर आपको वहाँ पर थोड़ी सी दिख रही ना, उसकी भी एकदम नीचे है। पूरी होल ट्रैक करते 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 यहाँ तक आए, और यहाँ से आपको अगर मैं भी आपको दिख रही होगी तो जो छोटी वाली मतलब आपको जो व्हाइट वाली घाट है ना, उसके ठीक है थोड़ी से बगल से वहाँ पे है टंगनाथ जी का मंदिर, यहाँ से भी हम लोग आए थे, ठीक है। आपको जो देख रही होगी तो चौखंबा पहाड़ है, उसके कंपेरिजन हाँ ऑलमोस्ट उतनी तो नहीं है, बट उसकी हाफ तो होंगी, हाफ होंगी ना, हाँ हाफ होंगी। सबसे टॉप व्यू यार, एकदम टॉप व्यू है, आप देख लो इधर, सही में यार अगर ड्रोन रहता ना तो फिर मज़ा ही कुछ और आता, बट मैं नेक्स्ट टाइम ट्राई करूँगा कि मैं जब भी हूँ अपने ड्रोन के साथ आऊँ। ड्रोन रहता ना तो कतई है ऐसी आती। भैया आप जिधर बैठे हो उधर से थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई तो आप सीधा स्वर्ग में चले जाओगे, पता है ना। रुक जाते हैं।
अच्छा सुनहरे पहाड़ है ना, लोग जो हैं जब शॉट आते हैं ना हमारा रास्ता इन पहाड़ियों से। अच्छा यानी आप पक्के पहाड़ी हो है ना, बता सकते हो तो बताओ यार, मैं कुछ तो खुद इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं कर रहा, बस दिखा रहा हूँ। बताते हैं हाँ? आपने इतनी मेहनत की, इतना हाँ? खर्चा किया, तो मेरा समाप्त भी नहीं करेंगे। चंद्रशिला इसका नाम इसलिए पड़ा है हाँ? क्योंकि चंद्रदेव शादीशुदा थे। अच्छा, तो राजा दक्ष की जो 52 कन्याएं थी उनमें से एक कन्या में चंद्रदेव मोहित थे। तो जब उस कन्या में चंद्रदेव उस कन्या के मोह में चंद्रदेव मोहित हुए हाँ? तो चंद्रदेव उससे दूसरी शादी का हाँ? प्रस्ताव रखने लगे। तो होता यह है कि एक शादी उनकी पहले से ही होती है, वो जो है दूसरी शादी करने का सोच रहे हैं। अच्छा, होता यह है उनको एक श्राप मिलता है, ठीक है। तो जब श्राप मिलता है तो वो श्री हरि की उपासना करते हैं। अच्छा, उपासना से क्योंकि मोक्ष के दाता जो है भगवान शिव हैं, तो जब उन्हें श्राप मिलता है तो वो भगवान शिव की आराधना करते हैं विष्णु जी के कहने। वो वहाँ पे जो है ना वहीं पे उन्होंने तपस्या की वाली जी हाँ, आगे बता। अच्छा, वहाँ पे लिंग स्थापित। अच्छा, तो भगवान शिव ने दर्शन यहाँ दिए। अच्छा, क्योंकि इतना तेज था उनके रूप में कि चंद्रदेव की जो रोशनी थी वो भी मंदी पड़ गई। अच्छा, ठीक है। भगवान शिव ने जब उन्हें दर्शन दिए तो उनको भगवान शिव ने मोक्ष की प्राप्ति दी। उसके बाद भगवान शिव ने तो उन्होंने बगुले का रूप धारण किया, तो भीम ने जो है अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करते हुए क्या किया, अपनी जंघाएं अपना रूप बढ़ाया और पूरे कैलाश को कवर्ड कर दिया। अच्छा, जो भी बगुला होगा वो मेरे पैरों के नीचे से जाएगा और जो शिव जी होंगे वो तो जाएंगे नहीं। अच्छा, भगवान शिव नहीं निकले। अच्छा, वो वहीं रुक गए। ओ, तो जब वो वहां रुके तो भीम ने जब भगवान शिव को पकड़ने की कोशिश की, भगवान शिव का इतना ही हिस्सा आया। अच्छा, उन्होंने समाधि ले ली, पाषाण मतलब भूमि पाषाण बोलते हैं। अच्छा, हाँ मैं भी आपको पल्ले पड़ रही होंगी, मतलब मुझे तो उतनी समझ नहीं आई, बट भैया ने जितने ही बताया बहुत अच्छे से बताया, होप आप लोग समझ सकते हो तो समझ लो। भैया आपका नाम क्या? वो विकास। अच्छा ठीक है, ठीक है, थैंक यू भैया बताने के लिए इतना। बाकी हम लोग मंदिर के दर्शन कर लेते हैं, चलो बड़ा बाकी यहीं रहते हैं अभी थोड़ी देर के लिए, तो मंदिर के दर्शन कर लेते। चंद्रशिला मंदिर। हाँ जी, क्यों नहीं। अब हम लोग है ना, मतलब कि जैसे चंद्रशिला मंदिर और फिर टंगनाथ मंदिर जी का सब हम लोगों ने मतलब दर्शन कर लिए, ठीक है। और अब हम लोग यहाँ से वापस जा रहे हैं। वापस जाते वक्त मैं वीडियो नहीं शूट कर रहा हूँ, क्योंकि रीज़न बस यही है कि मतलब चलने में बहुत प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है ना। और आपने जो अभी तक देखा, आई डोंट नो कि मतलब अच्छी लग रही है या नहीं लग रही है। पहली बात थी कि मेरे साथ आते वक्त एक चीज़ हो गया, हुआ ये ना कि मतलब जिस बस में मैं था ना, उस बस में मेरी माइक बस में ही छूट गई, ठीक है। और मैंने इधर पूरी ट्राई किया कि मतलब कहीं से ना कहीं से माइक मिल जाए, पर माइक मिली नहीं यार। इसकी वजह से मैं नॉर्मल रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, जैसी भी आवाज़ आ रही होगी, आई डोंट नो कि आवाज़ कैसी आ रही है। और हवा इधर बहुत चल रही है, इसकी वजह से आपको हवा की वजह से आपको प्रॉब्लम हो रही होगी, मुझे पता है, पर क्या कर सकता हूँ, प्रॉब्लम प्रॉब्लम ही है। अब रूट देखो आप कैसी है, आप रूट देखो। इसलिए मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जो दर्शन मैंने किया वो टंगनाथ मंदिर, टंगनाथ जी के मंदिर था। और सेकंड वीडियो बना रहे हाँ, यूट्यूब पर रखोगे? हाँ यूट्यूब पे। हाँ और हाँ यूट्यूबर है। अरे यार बताना ना, टंगनाथ जी का मतलब मंदिर देखा हमने, और फिर उसके बाद चंद्रशिला मंदिर देखा। जो मैंने देखा बस मैंने आपसे वो शेयर किया, ठीक है। और हम लोग अभी केदारनाथ इसलिए नहीं जा रहे हैं क्योंकि सब प्रॉब्लम्स हो चुकी है वहाँ पर, एंट्री अभी एक हफ्ते बाद मिलेंगे। और मैंने वहाँ पे मतलब गौरीकुंड में पता किया, वहाँ पर जो पुलिस वाले थे ना उन भाई साहब लोगों ने कहा था कि अभी आप जा नहीं सकते वहाँ पर, मे बी लैंडस्लाइड प्रॉब्लम या मंदिर का टेक्निकल आई डोंट नो किस चीज़ की प्रॉब्लम है, बट हम लोगों ने अपनी पूरी प्रिपरेशन के साथ गई थी। पर कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम हम उसे विजिट करेंगे। पर अभी जो मैंने दिखाया आपको टंगनाथ जी का मंदिर, वो सिमिलर एकदम पूरी के पूरी
केदारनाथ जैसी ही है यार। अब रूट देखो, पंचकेदार में से आता है, हाँ पंचकेदार में से एक टुंगनाथ भी आती है। और वो घूमने वाली इतनी बेस्ट जगह है ना कि जैसे आप स्नो के टाइम आओगे ना तो मंदिर में आपके पास थोड़ी सी बस जो गेट है ना बस वही दिखेगी, बाकी पूरी की पूरी मंदिर ढकी रहती है बाकी। लेकिन हाँ फुली सिमिलर वो केदारनाथ जैसी है। और मैं इस वीडियो का एंड यहीं पे करता हूँ, मैं काफ़ी थक चुका हूँ, अभी जाते हैं। अभी की प्लानिंग कुछ ऐसा है कि ऋषिकेश भी जा सकते हैं हम लोग, या नैनीताल भी जा सकते हैं, या मतलब यहाँ पर भी स्टे कर सकते हैं। और नेक्स्ट प्लानिंग आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगी, ठीक है। और इस वीडियो में बस इतना ही। कीप जर्नी, कीप ट्रैवलिंग एंड एंजॉय योर लाइफ।